गाइस न्यू गेम खेलना किसको पसंद नहीं आती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड गाइस सब लोगों को पता होगा अगस्त मंथ यहाँ पर आ चुका है एंड फाइनली काफ़ी सारे न्यू गेम यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख सकते हो, सारी गेम का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ इनमें से 3-4 गेम आपको 100% पसंद आने वाली है एंड आप लोग डाउनलोड भी करने वाले हो, ठीक है। तो भाई वीडियो को इन तक जरूर से देखना, एक दो गेम देखकर आप जांच नहीं कर सकते कि भाई कौन सा गेम बेस्ट है, इसलिए भाई सभी को वॉच करो, जो गेम अच्छा लगता है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आज की इस वीडियो के मैं आपको एक बोनस गेम भी बताने वाला हूं, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो गाइस आप लोग उस गेम को जाके एक बार ट्राई कर सकते हो। जो बोनस गेम है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पर जो गेम आ रही है इसके नाम है न्यू डॉन। दोस्तों ये जो गेम है ना एक्चुअली एमएमओ आरपीजी गेम होने वाली है। यहाँ पर आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरी मोड देखने को मिल जाएगा, एक ओपन वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल जाती है। बहुत ही बड़ा मैप है, आप लोग दोस्तों एक्सप्लोर करोगे तो भाई खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग एपिसोड करके गेम के अंदर होता है, आप अलग अलग एपिसोड को यहाँ पर खेल सकते हो। बेसिकली एक सर्वाइवल गेम होने वाली है, आपको सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज है, जो फूड वगैरह है उसको आपको कलेक्ट करना पड़ता है, एनिमल के साथ यहाँ पर आपको फाइटिंग करना पड़ता है ताकि यहाँ पर आप सर्वाइव कर सको, ठीक है। आपको यहाँ पर शेल्टर वगैरह बनाना पड़ेगा जो एक सर्वाइवल गेम के अंदर होता है, आप लोगों को पता ही होगा। एक शेल्टर बना उसके साथ आप काफ़ी कुछ रिसोर्सेज पैक या फिर फूड वगैरह उसको कलेक्ट करते हो, कोई भी एनिमीज वगैरह आते हैं उसके साथ आप फाइटिंग करते हो, कोई भी मॉन्स्टर हो गया एनिमल्स हो गया उसके साथ यहाँ पर आप फाइटिंग करते हो, तब जाके यहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होने वाली है, डे होता है नाइट होता है, काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, ईजी कंट्रोल आपको देखने को मिल जाती है। एंड बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 400 MB, गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो भाई चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में, तो नंबर 4 पर जो गेम आ रही है इसके नाम है एरिना ब्रेकआउट। दोस्तों ये जो गेम है ना बेसिकली पबजी की तरह होने वाली है, मतलब पबजी पीसी गेम अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भाई सेम टू सेम गेम यहाँ पर होने वाली है एंड्रॉयड फोन के अंदर। देखो अगर आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है लेकिन आप चाहते हो कि भाई पीसी जो पबजी पीसी है उसकी तरह कुछ गेम खेले, तो गाइस आप लोग इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, बिल्कुल पीसी गेम की तरह ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो गेम है ना बेसिकली एक हाई डिवाइस के लिए होने वाली है, अगर आपके पास 4 GB रैम की डिवाइस है तब जाके दोस्तों इस गेम को आप लोग ट्राई कर सकते हो। इस गेम का साइज भी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, 3 GB गेम का साइज होने वाली है, गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। यहाँ पर आपको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होने वाली, मतलब जो एनिमीस आएंगे उसके साथ आपको फाइटिंग करना है, सर्वाइव करना है एंड गाइस लास्ट में जाकर आपको मैच को विन करना है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होने वाली है, ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा एंड एकदम सब भाई पबजी की तरह गेम होने वाली है। सारे के सारे गान आपको देखने को मिल जाएगा, सारे के सारे जो वेपन थे सब कुछ आपको देखने को मिल जाती है। तो वर्ल्ड जो गेम है काफ़ी अच्छा है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में, तो नंबर 3 पर जो गेम आ रही है इसके नाम है प्रोजेक्ट स्टार। दोस्तों फाइनली जो गेम है ना रिलीज हो चुका है, हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे एंड फाइनली गेम जो है ना ये ईयरली एक्सेस पर रिलीज हो चुका है प्ले स्टोर के अंदर, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बेसिकली ये एक ओपन वर्ल्ड साईफाई सैंडबॉक्स गेम होने वाली है। यहाँ पर जो ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है, ये ओपन वर्ल्ड मैप दोस्तों आपको अर्थ के अंदर देखने को नहीं मिलता है, किसी और प्लैनेट पर आपको देखने को मिल जाती है। 10+ अलग अलग एनिमल आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गाइस बेसिकली यहाँ पर आपको क्राफ्टिंग करना पड़ता है जो आप माइनक्राफ्ट के अंदर करते हो, यहाँ पर भी आपको सेम चीज करना पड़ता है, लेकिन इस गेम का जो ग्राफिक्स है ये थोड़ा सा अलग टाइप की होने वाली है। ग्राफिक्स भाई आप लोग देख सकते हो यार, कसम से बहुत ही कमाल की ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर आप फ्लाई भी कर सकते हो, मतलब आसमान में यहाँ पर आप उड़ भी सकते हो, तो ये काफी अलग अलग चीज आपको देखने को मिल जाती है जो गेम के अंदर आपको दिया गया है। एंड गाइस ये जो गेम है ना बेसिकली आप अभी नहीं हो, मतलब फ्यूचर के अंदर हो, ठीक है, मतलब किसी और प्लेनेट पर आप हो एंड आज से 50 साल बाद जो चीज होगा वही चीज इस गेम के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो काफी अलग टाइप की गेम ये होने वाली है, तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में, तो नंबर 2 पर जो गेम आ रही है इसके नाम है नोआस हार्ट। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता, ये जो गेम है ना अनरियल इंजन पर बना है, तो भाई आप लोगों को पता होगा अनरियल इंजन क्या चीज़ है। ये जो पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी ये सारे के सारे जो रियलिस्टिक गेम होती है ना, ये सारे के सारे गेम अनरियल इंजन पर बनते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता चलेगा कि भाई गेम का ग्राफिक्स किस तरीके से होने वाली है। यहाँ पर बेसिकली एक सर्वाइवल गेम होने वाली है, आपके पास काफ़ी सारे वेपन आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप हॉर्स राइड कर सकते हो, पूरा सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ
पर जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स मॉन्स्टर आएंगे उसके साथ आपको फाइटिंग करना पड़ता है। बेसिकली ये एक MMORPG गेम होने वाली है दोस्तों। इस गेम का साइज भी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, 3.5 GB गेम का साइज होने वाली है। एंड यहाँ पर आपके पास जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो वर्ल्ड जो गेम है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास 4 GB रैम की डिवाइस है तभी जाके दोस्तों आप लोग ट्राई करो, अदरवाइज ट्राई मत करो, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो गेम है वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 गेम के बारे में। सो गाइस बात करते हैं नंबर 1 गेम के बारे में। तो नंबर 1 पर जो गेम आ रहा है इसका नाम है रेसिंग मास्टर। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानते, ये जो गेम है ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था PC के अंदर एंड फाइनली मोबाइल फोन के अंदर भी आने वाली है। लेकिन अभी तक ये जो गेम है ना प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ है, अभी तक बेटा स्टेज पर है, ठीक है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो मैं लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, अगर मिल जाए तो मैं आपको दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके उसको खेल सकते हो। देखो इस गेम का जो साइज होने वाली है बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, 6 GB के आसपास गेम का साइज होने वाली है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गेम रिलीज होगा ना भाई एस्पर 9 को भी यहाँ पर टक्कर दे सकता है, क्योंकि दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, बिल्कुल PC गेम की तरह ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई सभी गेम को ये टक्कर दे सकता है, जो भी यहाँ पर कार रेसिंग गेम है ना उसको सभी को यहाँ पर ये गेम टक्कर दे सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि इस गेम का ग्राफिक्स आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मैप देखने को मिल जाती है, एक ओपन वर्ल्ड लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन रेसिंग यहाँ पर आप खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर आप खेल सकते हो, कैरियर मोड भी खेल सकते हो एंड गाइस अलग अलग कैमरा एंगल से आप कार को चला भी सकते हो। तो वर्ल्ड जो गेम है काफ़ी अच्छा, एक बार ट्राई करके आप लोग देख सकते हो, लेकिन अभी तक गेम प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ है तो भाई सभी डिवाइस पर यहाँ पर नहीं वर्क करेगा, ठीक है। कुछ कुछ डिवाइस पर शायद यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, जैसे गेम रिलीज होगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस बात करते हैं बोनस गेम के बारे में। तो बोनस गेम जो आने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम का नेम है मोटो सिटी मैड बाइक डिलीवरी। दोस्तों इस गेम के अंदर आपको एक डिलीवरी बॉय का रोल प्ले करना पड़ता है एंड यहाँ पर जो ग्राफिक्स है ना मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था यार, हाई ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। गेम का साइज भी बहुत कम है, 400 MB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यहाँ पर साइड पर जो भी प्लेयर देख रहे हो सारे के सारे प्लेयर यहाँ पर रियल प्लेयर होने वाले हैं, मतलब यहाँ पर आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। आपके पास काफ़ी सारे मिशन देखने को मिल जाती है, आप एक बाइक लो उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दो, मतलब जो डिलीवरी बॉक्स है उसको कलेक्ट करो एंड जाके उसको डेस्टिनेशन पर यहाँ पर पहुँचा दो, ठीक है। यही काम आपको होने वाली है, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है एंड गाइस बाइक चलाने में आपको काफ़ी मज़ेदार फीलिंग आएगी। यहाँ पर जो कंट्रोल है ना थोड़ा सा अलग तरीके से होने वाली है, मतलब सेम कंट्रोल जो हर गेम के अंदर होता है ऐसा कंट्रोल नहीं है, कुछ अलग तरीके से कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। सो गाइस आई होप कि आज की वीडियो को पसंद आ चुकी है। इस तरीके से वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड पे एक बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।